इसमें बहुत बढ़िया। यस यस तो आज सुबह का कुछ ऐसा व्यू है सामने का। ये हमारा छोटा सा गांव, छोटा सा मोहल्ला बोल सकते हो। और ये देखो यहाँ पे पड़ता है मधुमेश्वर, तो यहाँ हो रही है भैया बर्फबारी, वो भी तगड़ी वाली। और यहाँ ऊपर में सुबह तक आई थी और अभी थोड़ा ऊपर ऊपर बर्फ बर्फ गिरना बैठ गई है। ऊपर इस टिंगरी बुग्याल में भी यहाँ पे बर्फ पड़ने बैठ गई है। और ऊपर साइड दिखाता हूँ मैं कि यहाँ ऊपर तक बर्फ आ गई है भाई, तो अब भरोसा नहीं है कि कब क्या क्या हो जाए। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक नेगी, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से और गांव के एक छोटे से गांव से, छोटा सा मोहल्ला ही बोल सकते हो वहां से। तो ये सामने पे अपना छोटा सा गांव। और बाकी भैया अभी मैं आया हूँ इस जगह पर से जहाँ पर से ना हमारे छोटा सा जो मोहल्ला है वो भी कवर हो जाता है और सामने बर्फीले पहाड़ भी कवर हो जाते हैं। तो अभी तो बर्फीले पहाड़ है नहीं, अभी तो एकदम वहां बर्फ गिर रही है तो पता ही नहीं चल रहा है कि पहाड़ छुप गए हैं उसके पीछे। ये तो सामने का व्यू है मधुमेश्वर साइड का, बाकी हम इसके अपोजिट देखते हैं। तो ये है आगे मार्केट साइड, यहाँ पे भले पेड़ आ गया, बाकी यहाँ पे हमारे गांव की पहली दुकान यहाँ ऊपर पे है और उसके बाद दूसरी दुकान चलते चलते सीधे यहाँ ऊपर वहां पे। तो ये है भैया कुछ इस जगह का ऐसा व्यू। और सामने देखो जितने भी आपको ये कलर वाले खेत दिखाई दे रहे हैं ना, ये पीले पीले पीले, तो यहाँ पूरा सरसों हो रहा है अभी, ये देख सकते हो आप। अभी तो उस पर फूल लगे हैं, बाद में बीज लगते हैं और अच्छे ढंग से वो बड़ा हो जाता है तो बाद में सरसों भी हो जाते हैं। अभी तो सरसों का टाइम है और साथ में गेहूं का, तो उसी की खेती होती है अभी। अभी छोटे छोटे हैं तो अभी बड़े होंगे वो चीज। बाकी ये सामने का कुछ ऐसा व्यू है। ये है अखरोट के पेड़ और इसमें लगाई है घास, तो ये देखो आप यहाँ से चढ़े होंगे ऊपर और फिर यहाँ घास लगाई है, वैसे इस पे लगाई है, बाकी यहाँ पे देखो आप इन दो पे भी लगाई है, इस पे भी, ये देखो इतना बड़ा अखरोट का पेड़ है और इस पे भी घास लगाई हुई है, बाकी इस पे भी घास लगाई हुई है। ये सब आजकल के काम आता है ठंडों में भैया, कोई लोग जंगल नहीं जा पाते हैं, जंगल क्या बर्फ पड़ जाती है तो जंगल तो कुछ मिलेगा नहीं, पूरा बर्फ ही बर्फ सफेदी सफेद रहता है तो कुछ सीन होता है नहीं। बाकी आप इस जगह देखो, यहाँ पर भी लगभग घास के बनाए हुए हैं, इस जगह भी घास है और नीचे यहाँ भी घास है, ऐसा कुछ भी है सामने का। बाकी यहाँ से भैया घर चलते हैं और ये मैंने उस टाइम पे लगाया था तो भाई इससे इधर उधर जाना पड़ता है तो चलते हैं। पता है यहाँ पे थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं वो ऐसे मोड़ ना जाए, नहीं तो सीधे नीचे गिर जाएंगे। बाकी सही है, अब बारिश लगने वाली है, बारिश लगने वाली है भैया बहुत तेज, और ऊपर तक बारिश आ गई है, वैसे वो देखो बर्फ ही आ गई है, वैसे बारिश तो क्या बोलना, बर्फ ही आ गई है। और आजकल ना फिर से ठंडा बहुत ज्यादा होने बैठ गया है, आज बारिश है और कल शायद धूप है, आज बारिश है थोड़ा बहुत। और आज हमारा काम भी था, काम ये था कि पहाड़ों में ना खेत टूट जाते हैं, और खेत ऐसे टूट जाते हैं कि पूरे सीढ़ीदार होते हैं ऊपर से नीचे तक, और क्या होता है कि बीच बीच में ना कहीं जैसे पानी भर जाता है तो खेत टूट जाते हैं ऊपर में। हमारे यहाँ तो ज्यादातर इतने सारे खेत टूटे हुए हैं ना आजकल, तो हमारे भी टूटे हुए हैं, वो लगाने का काम था, बाकी आज काम था वो। तो बारिश भयंकर वाली अभी तो हो ही रही है और सुबह से इतना भयंकर ठंडा हो रहा था कि बाहर आने का मन नहीं हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना बाद में किया जाए वो काम। बाकी अभी तो ऐसा है कि अभी तो नहीं करेंगे, कल धूप होगी तो कल चले जाएंगे, नहीं तो देखते हैं अगर शाम को अच्छा मौसम रहता है तो शायद आपको, शायद मैं इसी में इंक्लूड कर दूंगा वो कि कैसे पहाड़ों में जो ये टूट जाते हैं इनको कैसे लगाते हैं। वैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, बाकी अच्छे ढंग से आज बना देंगे वीडियो, तो अगर आज नहीं बनाऊंगा तो कल जरूर बना दूंगा। तो एक बार ही दिखाता हूं मैं कि किस हिसाब से वो टूटते हैं भैया। इन्हीं खेतों में अब जैसे ही पगार लगा देंगे ना, मतलब पगार मतलब जो ये खेत टूटा हुआ, जो मतलब उसका एक बीच का पार्ट टूटता है उसको पगार बोलते हैं, तो जैसे वो टूटता है ना तो फिर लगाया जाता है उसको। तो उसको एक पर्टिकुलर मतलब जैसे ये एरिया यहाँ पे ये टूट रखा है, जैसे यहाँ पे देखो आप, तो इसको कहते हैं पगार। तो ये टूट गया तो अब इसको लगाते हैं और फिर इसमें ना हल लगाने का काम होता है। तो पहले ऊपर के खेत में जाता हूं मैं। ओ भाई तो यहाँ पे देखो इसे कहते हैं पगार। तो ये अभी टूट रखा है तो अब मतलब ये हमारा नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ आपको कि ऐसा होता है और इसको ना अब लगाना पड़ेगा, तो ये लगेगा फिर इसमें हल लगेगी बाद में, तो ऐसा कुछ होता है।
नीचे यहाँ पे देखो चाची जी भी आ रखी हैं गौशाला में, और ये माल्टे के पेड़ भी है आजकल अभी, और साथ में आजकल ना गोबर भी डाल रखा है कि हल लगाने के लिए होता है तो गोबर भी डालना जरूरी होता है। गोबर पहले पूरा गोबर इधर उधर फैला देते हैं और उसके बाद हल लगता है, बीज पड़ते हैं हल लगता है। तो चलते हैं भाई, घर भी पहुंचने वाला हूँ। और घर में आते ही भैया खाना रेडी है और बारिश भी लगना स्टार्ट हो गई है। ये देखो आप, जैसे वहां पर से मैं घर ही में आया ना, लगभग 10 या 15 मिनट होंगे, सीधे बारिश लगना स्टार्ट हो गई है और ठंडा इतना ज्यादा हो रहा है ना। तो भैया गरम गरम खाना खाते हैं, आज वैसे भी फेवरेट बनी है राजमा चावल, तो वो खाते हैं और साथ में हरी सब्जी बनी है। तो चलो हे माती हे माती, ये देखो यहाँ पे अपनी राजमा तैयार है, अभी थोड़ा बहुत गर्म हो रहा है, और चावल है भैया और हरी सब्जी है, तो इसको खाते हैं अब। चलो माता रखना स्टार्ट कर। बहुत बढ़िया, यस हरी सब्जी। बहुत बढ़िया, और साथ में दाल। तो ये बन के रेडी है अपनी राजमा चावल और दाल। तो ये देखो अपनी राजमा चावल और दाल बन के तैयार है भैया। बन के रेडी अपना खाना, तो अभी हम खाना खाते हैं भैया, एक बारी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, अब भूख भी लग गई है। तो अभी खाना कंप्लीट हो गया है, खाना खा के भैया हमने खा लिया है, माँ अभी खा रही है और बहन गई है स्कूल, तो वो स्कूल से अभी थोड़ी देर 2-3 बजे आती है, 2-3 बजे की छुट्टी होगी तो उस टाइम खाएगी। और अभी यहाँ धुआं हो रहा है, बाहर भी चलना है और बाहर बारिश हो रही है, अंदर धुआं हो रहा है और बाहर देखो भी बारिश से बारिश, और अभी बारीक वाली बारिश हो रही है, बाकी यहाँ भाई बर्फ नीचे नीचे तक आ गई है, कहीं आज बर्फ ना पड़ जाए। मैं सोच रहा था एक अच्छा टाइम लैप आ जाए, लेकिन अभी ना इस साइड की जो ये वाले बादल थे सब चले गए थे वापस, फिर इधर आ गए और इधर साइड तो क्या ही होता है पूरा पैक है, वो फिर से वापस वहीं पे जा रहा है, क्या करें यार, रखना तो है ही। तो ना आधे घंटे से यहीं पे खड़ा हूँ, उसके बाद भी मैंने थोड़ा बहुत लगाया, लेकिन अब वो सारे बादल एक ही जगह पे आ गए हैं यहाँ पे देखो आप। अब मैंने सोचा है भाई आधे घंटे यहाँ पर रह गया हूँ उस ठंड में, तो अंदर चलते हैं, आधे घंटे ज्यादा ही है भाई, और इस ठंड में रहना तो भाई और ही टफ। वैसे आपको एक बात बता दूं, फोन की जैसे मैं टाइम लैप पे लगाता हूँ ना आधे एक घंटे तक, तो मैंने लगा दिया तो फोन की बैटरी डेड हो जाती है, डेड मतलब पूरा नहीं होती है लेकिन ठंड में तो ज्यादा ही हो जाती है। तो अभी लगभग टाइम हो रहा है 4:30, टाइम लैप तो हुआ नहीं, पूरा बादल आ गया था, तो मैंने सोचा छोड़ो उतना जितना था वो ही दिखाया, और बाकी अभी शाम का टाइम है तो थोड़ा बहुत मार्केट चलते हैं, वहां से कुछ सामान भी लेना है मेरे को, तो चलते हैं भैया, और ऊपर से ठंडा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अभी रोड में पहुंच गया हूँ और फिर अब आगे मार्केट आने वाला है, खाना कंप्लीट हो गया है अभी अभी, और बाहर ना इतनी भयंकर वाली बारिश हो रही है, कल वैसे मौसम साफ है लेकिन अभी रात को तो बारिश ही हो रही है। बाकी और चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो अगर चाहो तो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी चले जाना। मिलते हैं आपको अगली पहाड़ी लाइफस्टाइल वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान भी रखिए, वो जरूरी है।